नेपाल में तेज बारिश और तूफान की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। नेपाल सेना के प्रवक्ता यमप्रसाद दमकल ने बताया कि नेपाल में रविवार को आंधी तूफान में 27 लोग मारे गए हैं जबकि 400 से अधिक घायल है। यह तूफान दक्षिणी जिले के बारा और पास के परसा में शाम के समय आया। जिला पुलिस कार्यालय के मुताबिक परसा में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने आगे बताया कि हमने आपात स्थिति के लिए 2 MI-17 हेलीकॉप्टर को स्टैंडबाय मोड पर रखा है। प्रभावित इलाकों में सेना के 100 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। बचाव अभियान जारी है। खबरों के मुताबिक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है और 400 लोग घायल हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है।